How to track a visitor on a WordPress website? कि आपकी वेबसाइट पर एक विजिटर आया है, उसने क्या किया है, उसने कौन से पोस्ट विजिट किया है, उसने कौन से पेज विजिट किए हैं, तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं हूं कजाफी और आप देख रहे हैं द डिजिटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। हमें एक मॉनिटर करना है, लाइक अगर कोई विजिटर आया है उसने कहाँ कहाँ क्लिक किया है हमारी वेबसाइट पर, उसने कौन कौन से पेजेस विजिट किए हैं, उसने कौन कौन सी पोस्ट विजिट किए हैं, ये हमारे लिए काफी मैटर करता है। क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि ताकि हमें देखनी चाहिए हमारी वेबसाइट पर ऐसी कौन सी इंटरेस्टेड चीजें जिस पर यूजर ज्यादा जा रहे हैं, या हमारी वेबसाइट की ऐसी कौन सी पोस्ट है जिन पर यूजर ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए हम इस कॉन्सेंट्रेट के लिए हम ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं। काफी सारे टूल्स हैं। नंबर एक गूगल एनालिटिक्स टूल है। गूगल एनालिटिक्स टूल जो डीपली आपको बताता है कि आपका वेबसाइट का जो विजिटर है वो कहाँ से आया है, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस आईपी से आया है, कौन से ब्राउजर से है, वो आपको एक एक चीज बता देता है कि आपका विजिटर जो है इतनी देर आपकी वेबसाइट पर रहा है और वो इस कंट्री से आया और उसने ये सब किया है। गूगल एनालिटिक्स टॉप बेस्ट में उसमें जा रहा है कि आपकी वेबसाइट को वो इजीली सब कुछ मॉनिटर करता है। सेकेंड टूल है जो कि वर्डप्रेस की ही प्लगइन्स में आते हैं। काफी सारे प्लगइन्स हैं, गूगल साइट किट जो अभी लॉन्च हुई है उनके प्लगइन, तो उस प्लगइन से भी आपको पता चल जाता है। गूगल एनालिटिक्स की भी काफी सारे प्लगइन्स जो है आपकी वर्डप्रेस पे मौजूद हैं। तो आप किस तरह ये सब कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की तरफ। अब सबसे पहला जो आपका ट्रैफिक मॉनिटर का जो बेस्ट टूल है जो इस वक्त टॉप पर जा रहा है वो है गूगल एनालिटिक्स। लाइक गूगल एनालिटिक्स में जाके आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है ऑल अकाउंट, जब भी आप साइन अप या जो भी करके आप आएंगे तो उसके वक्त आपने सबसे पहले जो आना है वो आना है इस वक्त प्रॉपर्टी की तरफ। लाइक अगर एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसके लिए जाएगी, यहाँ पर आपको सेटिंग शो करेगा, यहाँ पर जो है आपको सारी वेबसाइट जितनी भी आप ऐड कर चुके होंगे वो उनकी प्रॉपर्टीज शो करेगा। सेकंड, अगर आप एक न्यू साइट की करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद वो आपको जब पेज शो करेगा प्रॉपर्टी सेटिंग पर, और यहाँ पर आपको कहेगा क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी, तो आप इजीली न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। एक मिनट, मेरा अभी तक अकाउंट नहीं आ रहा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। क्रिएट प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा। यूआरएल के बाद जब आपको ट्रैकिंग कोड देगा, सेम वही ट्रैकिंग कोड आपने वेबसाइट के अपने हेडर में पुट कर देना है। जैसे ही अपने वेबसाइट के, जैसे मैंने पहले भी बताया था गूगल सर्च कंसोल के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख ले किस तरह आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करते हैं। तो उसके बाद अगर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के बाद इस तरह वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट पर इतना लाइव विजिटर बैठा हुआ है। लाइक मेरी वेबसाइट पर जैसे वो बता रहा है कि इस वक्त 19 लाइव विजिटर है। इससे ये है कि अगर जब आप इसे रियल टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ओवरव्यू इसका बताएगा कि कितने यूआरएल, मतलब कि कितने लोग कौन से यूआरएल्स पर बैठे हैं। उसके बाद वो आपको लोकेशंस बताएगा कि कौन सी ट्रैफिक या कौन सा विजिटर किस लोकेशन से ज़्यादातर आ रहा है। देखिए ये लोकेशन वगैरह सब कुछ शो करता है, ट्रैफिक सोर्स शो करता है, गूगल से आती है, फेसबुक से आती है, सोशल प्लेटफॉर्म से आती है। ये देखिए सोशल से आ रही है और फेसबुक से आ रही है, डायरेक्ट भी आ रही है, किस तरह करके कॉन्टेंट वगैरह चेक करता है, ये आपको सब कुछ शो करता है। ऑडियंस में जाएंगे तो आपको ये लास्ट 30 डेज की शो करता है कि लास्ट 30 डेज आपकी कितनी ट्रैफिक रही है, किस तरह किस दिन ट्रैफिक अप गई है, किस दिन ट्रैफिक डाउन आई है। आपको बाउंस रेट तक वो शो करता है। बाउंस रेट का मतलब ये है कि एक परसेंटेज होती है कि इतने विजिटर इतनी देर तक आपकी वेबसाइट को विजिट करते रहें या पढ़ते रहें, एवरेज ड्यूरेशन भी 38 जा रही है। तो इस तरह करके आप इजीली एनालिटिक्स के थ्रू, अगर ये भी नहीं करना तो अपनी वेबसाइट में जाएँ, प्लगइन्स में जाएँ, ऐड न्यू प्लगइन्स कर दें, जो कि एक बेस्ट काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन मैं एनालिटिक्स ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक है जेट पैक भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये आपको एक एक विजिटर बताएगा कि कहाँ से आया है, किस आईपी वगैरह तो नहीं बताता, बहरहाल लोकेशन बता देता है, क्लिक्स कहाँ कहाँ किए हैं, ये सब कुछ आपको जेट पैक बता देता है। उसके बाद अगर आप इसमें एनालिटिक्स लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स ये शो कर देगा। ये देखिए गूगल एनालिटिक्स भी है, ये देखें ये गूगल एनालिटिक्स, काफ़ी सारे प्लगइन हैं जो आप जिनके थ्रू आप अपनी साइट को इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप उसे इजीली देख सकें।